इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां पर आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका सामने आई है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, आशीष मिश्रा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अहम खबर दिल्ली से सामने आ रही है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। जहां पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा किया दाखिल, तो यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, तो यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, मामले में अब तक 98 गवाहों को सुरक्षा दी गई है और ये जो याचिका दायर की गई है इसमें सुनवाई है, क्या लगता है, क्या कुछ बातें सामने आ सकती है? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन बाद लगातार आशीष मिश्रा जो है वो बेल पे बाहर चल रहे हैं और उसी के विरोध में ये याचिका है कि आखिरकार आशीष मिश्रा बाहर क्यों है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है, लगातार इस पे सुनवाई की कोशिशें हो रही है। आज फिर एक बार सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है वो देखना होगा। यूपी सरकार अपना हलफनामा जरूर दे दिया था, जिसमें 98 गवाहों की सुरक्षा की बात कही गई है और ये भी कहा गया है कि आशीष मिश्रा जो है वो गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि मामला जो है वो लगातार पूरी जांच जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट की निगरानी में है और ये भी वजह यूपी सरकार की तरफ से बताई गई है जो उन्होंने बेल के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं की है। यहाँ पे प्रशांत भूषण जो है वो तमाम लोग जो मारे गए परिजनों के जो लोग हैं, जो खास तौर पे जो लोग मारे गए तो उनके जो परिजन हैं उनकी तरफ से प्रशांत भूषण यहाँ पे पैरवी कर रहे हैं कि लगातार उनकी तरफ से विरोध हो रहा है कि आशीष मिश्रा को एक बार फिर जेल में रखा जाए। अब डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ डिसीजन देता है, क्योंकि चुनाव भी निकल गए हैं और जो माहौल खासा गर्म था वो कहीं ना कहीं शांत हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ डिसीजन देता है देखना होगा। बिल्कुल, यानी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर जो है वो नजर बनी हुई है। लेकिन अमित जी, बहुत बड़ा मामला था और देखिए लगातार किसान भी नाराज थे और वो यही मांग कर रहे थे कि नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके जमानत हो गई, जिसके बाद कई सारे सवाल भी उठे कि आम आदमी जमानत के लिए भटकता रहता है और आशीष मिश्रा को आसानी से मिल गई थी कहीं ना कहीं। तो क्या लगता है कि क्या इस तरह का कोई प्रेशर, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट किसी तरह के प्रेशर में नहीं आता, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जनता एक और चल रही होती है तो उसका असर जो है वो भी देखने को, क्या आपको लगता है ऐसा भी हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज, चूंकि जब लखीमपुर प्रकरण हुआ था तो मामला जो है ना सिर्फ हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में आया था और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं उसे मॉनिटर भी कर रहा था और यही बड़ी वजह थी। जब आशीष मिश्रा को बेल मिली, आशीष मिश्रा जेल से रिहा हुआ, तो उसके बाद जो है सरकार ने आगे पैरवी नहीं करी और सरकार के पास भी एक ऑप्शन था कि क्योंकि मामला जो है वो कोर्ट की निगरानी में चल रहा है तो ऐसे में कोर्ट खुद डिसाइड करेगा कि आशीष मिश्रा बाहर जेल के बाहर रहेगा या नहीं रहेगा और यही बातें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से कही गई है। लेकिन जो मारे गए किसान थे, जो लोग थे, उनके परिजन जरूर इस बात को लेके लगातार गुहार लगा रहे हैं कि आशीष मिश्रा को जेल के अंदर होना चाहिए, क्योंकि मुख्य आरोपी जो है और ऐसे में जेल से बाहर कैसे रह सकता है, तमाम तरह के सवाल जरूर उठ रहे थे। यूपी सरकार की भूमिका को लेके भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन सरकार ने अपने हलफनामे में स्पष्ट कर दिया है कि चूंकि कोर्ट का मामला है, कोर्ट ही चीजों को संज्ञान ले। और आज जब प्रशांत भूषण जो है तमाम परिजनों की तरफ, मारे गए लोगों के परिजनों की तरफ से खड़े होंगे तो क्या कुछ अपनी दलील रखते हैं वो देखना होगा और किस तरह से डिफेंड करते हैं कि आशीष मिश्रा अभी भी जेल से बाहर रहेगा या कोर्ट। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपडेट हमारे